तो एनसीपी के नेता नवाब मलिक को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व अधिकारी यानी मुंबई के एनसीपी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े अनुसूचित जनजाति से ही बिलोंग करते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने कल एक बैठक ली थी जहां उन्होंने समीर वानखेड़े के मामले में सुनवाई की थी। उस सुनवाई के दौरान ये कहा गया कि जो भी कागज पत्र उपलब्ध करवाए गए हैं वो सभी सच है। समीर वानखेड़े ने यूपीएससी की जो परीक्षा दी थी उन्होंने जो जाति प्रमाण पत्र उस वक्त जारी किया था वो बिल्कुल सही है, वो फर्जी नहीं है। आर्यन खान का मामला जब से सामने आया था उसके बाद लगातार नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनसीपी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर लगातार इल्ज़ाम लगा रहे थे, हर चीज़ों को लेकर, उनकी शादी को लेकर। और सबसे बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने ये लगाया था कि समीर वानखेड़े मुस्लिम है और वो अनुसूचित जनजाति के नहीं है, यानी वो एक बड़ी कास्ट के हैं, मुस्लिम कास्ट को बिलोंग करते हैं। लेकिन आज कह सकते हैं आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने जो बैठक ली थी उसमें एक साफ साफ साबित हो गया है कि समीर वानखेड़े जो है वो अनुसूचित जनजाति के ही थे, वो मुस्लिम नहीं है। ये सबसे बड़ा फैसला, ये सबसे बड़ी राहत है समीर वानखेड़े के लिए। कुछ ही दिनों पहले उनके नाम का बार एंड रेस्टोरेंट का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था जिसके बाद समीर वानखेड़े को बहुत बड़ा झटका लगा था। लेकिन आज जो है ये समीर वानखेड़े के लिए काफ़ी राहत की बात है। शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए आयोग ने माना है कि वानखेड़े अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। नवाब मलिक लगातार उन पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट्स भी जारी किए थे, उनके HSC और SSC के सर्टिफिकेट्स जारी किए थे जहां उन्होंने कहा था कि उनके पिता का भी नाम दाऊद वानखेड़े हैं, उनकी माँ के बारे में उन्होंने ये बताया था। इसके साथ ही उन्होंने उनकी शादियों पर भी सवाल उठाए थे। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी कर उन्होंने UPSC पास की है, UPSC की परीक्षा की थी। लेकिन आयोग ने ये कहा है कि ये सारे जो आरोप है वो गलत है। और इसके साथ ही जो उनकी कह सकते हैं उनकी जाति को जांच करने के लिए SIT की जो टीम बिठाई गई थी उसको भी रद्द करने का आदेश दे दिया गया है। और सबसे बड़ी बात ये कही गई है कि पुलिस उन्हें परेशान ना करे, उन्हें कार्रवाई के नाम पर परेशान ना करे और उसके बाद नवाब मलिक पर भी कार्रवाई हो, क्योंकि उन्होंने सभी का जो कह सकते हैं समय वेस्ट किया है, सभी का समय गवाया है। इस वजह से नवाब मलिक पर कार्रवाई की जाए और समीर वानखेड़े को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, पूछताछ के दौरान उन पर किसी भी तरह का दबाव ना डाला जाए, उनसे पूछताछ के दौरान किसी भी तरह की उन्हें परेशानी ना दी जाए।